हरियाणा के गुरुग्राम में शंकर चौक पर एक कार खड़ी है। कार की डिक्की भी खुली है। वहां दो लोग दिख रहे हैं जो नीचे रखे फूलों के गमले में से अच्छे फूलों वाले गमले छांट रहे हैं। एक शख्स अच्छे और बड़े फूलों वाले गमले उठाकर देता जाता है, दूसरा शख्स उसे कार की डिक्की में सजा कर रखता जाता है। पूरे इत्मीनान से ये दोनों शख्स छांट छांट कर फूलों वाले गमले उठा रहे हैं और ये सब वहीं दूर खड़े कम से कम दो लोग अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। वीडियो बना रहा एक शख्स वीडियो बंद करने को कहता है, लेकिन वीडियो बना रहे युवक को कार का नंबर देखना है। आखिरकार चोरों की इस कार की डिक्की बंद होती है और फिर नंबर प्लेट पर जो नंबर दिखता है वो है HR20AY0006। एक तो 40 लाख की लग्जरी कार, ऊपर से VIP नंबर प्लेट। जैसे ही वीडियो बनाने वालों ने इसे सोशल मीडिया पर डाला, वैसे ही आग की तरह यह वीडियो फैल गया। सोशल मीडिया पर गमला चोर हैशटैग ट्रेंड करने लगा और लोग तरह तरह के कॉमेंट करने लगे। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर की नजर भी इस वीडियो पर पड़ी और उन्होंने इसकी जांच के आदेश सोशल मीडिया पर ही दे दिए। गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फौरन जांच शुरू की। GMD की तरफ से अपने सुभाष यादव IFSO नोडल ऑफिसर हैं और जैसा हमारे संज्ञान में आया है उनसे बात भी की है और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। गुरुग्राम प्रशासन इन तस्वीरों को देखकर इसलिए भी हैरान था क्योंकि गुरुग्राम में दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों के समूह G20 की बैठक होने वाली है। इस मौके पर शहर को सुंदर दिखाने के लिए ये फूलों की सजावट की गई है, लेकिन इन फूलों को भी चोर उठा कर ले जा रहे हैं। उधर गमला चोरों वाली कार के नंबर प्लेट की पड़ताल को लेकर तरह तरह के दावे किए जाने लगे। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ऐसी ही नंबर प्लेट वाली इसी ब्रांड की लग्जरी कार पर सवार BJP से जुड़े एक यूट्यूबर का फोटो वायरल हुआ। दावा किया जाने लगा कि यह कार उसी एल्विश यादव नाम के युवक की है जिसके BJP नेताओं और मंत्रियों के साथ तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ से जब चोरों की कार को एल्विश यादव नाम के यूट्यूबर की कार बताकर ताने मारे जाने लगे तो एल्विश यादव ने भी ट्वीट कर दावा किया कि ये कार उनकी नहीं है और जो लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से दावों और वादों की झड़ी लग गई। एक गुट जो चोरों की कार को एल्विश यादव की कार साबित करना चाहता था, उसने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया। और हमारी गाड़ी भाई एक ये लेके चल रहे हैं, एक फॉर्च्यूनर, ये मेरी वाली ना, ये तो दूसरी लेजेंडर, ये मेरी वाली लेजेंडर, एक और फॉर्च्यूनर और एक अपनी कार्निवल और भी और एक अज्जू भाई वाली। सोशल मीडिया पर यह साबित करने की कोशिश की जाने लगी कि जिन गमला चोरों ने फूल चुराए हैं उनका रिश्ता BJP से ही जुड़ता है, लेकिन तभी दूसरी ओर से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। गमला चोरी करने वालों का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा जिसमें दावा किया गया कि ये गमला चोरी करने नहीं आए थे बल्कि कार से गमले उतार कर वहां रखते जा रहे थे। यानी ये गमला चोरी नहीं बल्कि गमला सजाने का मामला है। लेकिन जब इस वीडियो को गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि गमला चोरी की वारदात से हो रही थूथू से बचने के लिए चोरी के वीडियो को रिवर्स करके सोशल मीडिया पर फैलाया गया था, क्योंकि इस वीडियो में पीछे की सड़क पर आने वाली सारी गाड़ियां आपको रिवर्स जाती दिखेंगी। यानी चोरी के वीडियो को रिवर्स करके उसे गमला सजाने वाला वीडियो बनाकर पेश किया जा रहा था। इस बीच पुलिस की तफ्तीश तेज हो चुकी थी और फूलों की चोरी के चंद घंटों के अंदर गुरुग्राम पुलिस ने एक चोर को पकड़ भी लिया था। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। एक शख्स फूल छाट कर देता जा रहा था, दूसरा उसे कार में रखता जा रहा था। गुरुग्राम में काली कार वाले इन दो फूल चोरों में से एक तक पुलिस पहुंच गई है।
ये जो टी शर्ट और ट्रैक पैंट में शख्स दिख रहा है जिसने सजा सजा कर पूरी फुर्सत से फूल चुराए, वह पुलिस की पकड़ में। इन दो तस्वीरों को मिलाकर उस चोर की पहचान आसानी से की जा सकती है। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक इस काले फ्रेम वाले शख्स का नाम मनमोहन है, जो गुरुग्राम के गांधीनगर इलाके का रहने वाला है, और जिस कार में इसने फूलों वाले गमले की चोरी की है वो इसकी पत्नी के नाम से हरियाणा के हिसार से रजिस्टर्ड है। जब पुलिस इसके पास पहुंची तो काली किया कार्निवाल कार भी इसके कब्जे से बरामद हो गई, जिसमें फूलों की चोरी की गई थी। कार का नंबर प्लेट भी वही था जिसमें फूलों की चोरी हुई थी। जब पुलिस ने इससे गमला चोरी के गुनाह पर सवाल किए तो सूत्रों के मुताबिक इसने बताया कि मनमोहन दिल्ली से गुरुग्राम लौट रहा था, तभी इसकी नजर सड़क किनारे पड़े खूबसूरत फूलों पर पड़ी। मनमोहन फूलों की खूबसूरती देखकर रुक गया और फिर इन फूलों वाले गमले को अपनी गाड़ी में रखने लगा। इसका दावा है कि इन्हें अंदाजा नहीं था कि फूलों के चंद गमले उठाना इन्हें इस कदर चोर बना देगा। चोर की ये दलीलें तब सामने आ रही हैं जब इसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। अगर इसकी हरकतें कैमरे में कैद नहीं होती तो सड़क किनारे से फूलों वाले गमले गायब होने की तोहमत इलाके के गरीब लोगों के ऊपर मढ़ी जाती। लेकिन जिन दो लोगों ने इस हरकत को कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर वायरल किया, उन्होंने ऐसे लोगों के चेहरों पर से नकाब उतारा है जो दिखते तो रईस हैं लेकिन संस्कारों से चोर ही होते हैं। क्योंकि ये घटना पहली नहीं है जहां कारों में सवार होकर आए लोग ऐसी चोरी की छोटी मोटी हरकतें करके अपनी परवरिश का परिचय देते हैं।